श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। कामदेव जी के शत्रु शिव जी के सेव्य यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी यानी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि अजय, निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति यानी पृथ्वी के राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। रामानुज कहे राम कहे अस कहे छाड़ती प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर मेघनाथ ने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण के हाथों से मरा, और मरते समय श्री राम जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखि पुनि आयो। सासु मरण सुनि सुर गंधर्वा, चलि विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वर्षित मन दुदुम भी बजा वही, श्री रघुनाथ बिमल जसु गा वही। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निसारा। बेफूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया। अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए। सुत बधु सुना दशासन जबही, मूर्छित भय परयो मही तबही। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवत का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर्तारण बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहाई दस कंधर पहुंचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विधि विधि समझाई सब नारी, नस्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तीन ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर नगनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया, वो स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा तिरानी भयो बिनु तारा,
लगे भालु कपि चारिहु द्वारा। सुवट बोलाइ दशासन बोला, रण सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीज बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अब ही बरु जाओ पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भोल बल मैं बयरु बढ़ावा, देखाऊं उतरु जोरे को चढ़े आवा। अच्छा है वो अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे लूंगा। अस कही मारुत बेग रथ ताजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चल वीर सब अतुलित बली, जनु का जल कई आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे, सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित हो इते ही काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख अपसगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्व गनई न सगुन असगुन, स्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ जे बाज गज, चिकरत भाजहि साथ ते। वो माए गीत कराल कर रब, स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वो सकुन अब सकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों में गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघारते हुए भाग जाते हैं। स्यार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रथ मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रथ है, मोह के वश हो रहा है। सम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न भी संपत्ति, शुभ शगुन और चित्त की शांति हो सकती है। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, हनुमान की।